नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। खास खबरों के साथ आपको मिलेगी ताजा जानकारी। चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, धन्यवाद। नीम का थाना में पूर्व विधायक और कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रमेश खंडेलवाल इन दिनों नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र की समस्त पंचायतों में कांग्रेस विकास पदयात्रा पर हैं, जिनमें विभिन्न गांवों में अब तक पंचायतें और सभा हो चुकी है। कांग्रेस के पदाधिकारी सहित पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल गांव-गांव से लोगों से मिल रहे हैं, समस्या जान रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस विकास पदयात्रा का जो दिन रहा, सुबह 7 बजे रामपुरा बेगा के नांगल से शुरू होकर ग्राम करजों में पहुंची, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। यहां पर नुक्कड़ सभा भी वरिष्ठ नागरिक जनों द्वारा सम्मान किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा चली जा रही योजनाओं को विस्तार से बताई गई और इस मौके पर हनुमान प्रसाद यादव पूर्व सरपंच, रतिराम यादव, धोलू यादव, रामोतार यादव, सुंडाराम यादव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद मोहनपुरा खरकड़ा में नुक्कड़ सभा करके वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर वासुदेव शर्मा, सरदार यादव, जगदीश यादव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोपहर में यात्रियों का खाना और विश्राम सांवरिया होटल कोटपुतली रोड पर किया गया। इसके बाद 3 बजे सांवरिया होटल से प्रारंभ होकर ग्राम पंचायत राजपुरा पहुँचे, वहाँ ग्रामीणों द्वारा भी पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक रमेश खंडेलवाल ने सभी वरिष्ठ नागरिकों का इन ग्राम में सम्मान किया। इस मौके पर दानाराम यादव, उमराव यादव, मास्टर मालीराम यादव, पप्पू यादव, इसके बाद राजपुरा से धांधेला जाने पर धांधेला वासियों ने भी मोटरसाइकिल व पैदल यात्रा में लेकर गए थे, जिनमें सम्मान किया सभी का। जगह जगह पर पुष्प वर्षा हुई, तोरण द्वार लगाए गए, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी की गई। रमेश खंडेलवाल ने आम लोगों को संबोधित किया, वहां पर मीटिंग की गई, बाहर के नागरिकों वरिष्ठ नागरिकों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान फूलचंद सैनी, कृष्ण सैनी, संदीप सैनी, अनोखी देवी सरपंच प्रत्याशी हैं जो, दुर्गा प्रसाद, कपिल सैनी देवी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता और गणमान्य और पदाधिकारी शामिल रहे। और विकास जो यात्रा है रमेश खंडेलवाल की, ये निरंतर जारी है।